नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि डिटरमिनेंट कभी भी रेक्टेंगुलर नहीं होता। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं बनता, याद रखना। इसलिए यहां पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब थ्योरी के अंदर वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय मोड ए और डिटरमिनेंट डेट ए। इसको डिटरमिनेंट ए भी बोलते हैं, इसको मैं मोड बोला, बट यह एक काम करो डिटरमिनेंट ए ही बोलो। डिटरमिनेंट ए और डेट ए दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्लियर है? ओके, थोड़ा नोट देख लेते हैं इस पर क्या प्रॉपर्टीज है इनकी, देख लेते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स सी और होल डिटरमिनेंट, फाइनल रिजल्ट का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ सी, मतलब सबको डिटरमिनेंट मिल सकता है, क्लियर है? सब तीनों के तीनों मैट्रिक्स है, तीनों के बाहर डिटरमिनेंट लिया हुआ है, तो हम ये डिटरमिनेंट सबको पर्सनली दे सकते हैं, क्लियर? एक रिजल्ट याद रखना ये। दूसरा रिजल्ट है, अगर कोई कहीं पे ऐसा लिखा है के इंटू ए का डिटरमिनेंट, के इंटू ए का डिटरमिनेंट, तो अगर मुझे के को बाहर ले जाना है डिटरमिनेंट से, मोड नहीं है याद रखना, कि दोनों को पर्सनली अलग अलग मिल गया, मुझे के को बाहर ले जाना है, तो के को बाहर ले जाने के लिए ए का ऑर्डर पूछना पड़ेगा। ए का ऑर्डर अभी मान लो एन क्रॉस एन है, ए इज एन क्रॉस एन, तो के जब बाहर निकलेगा ना, तो ओनली के नहीं निकलेगा, के रेस टू एन निकलेगा इंटू मोड ए। अब ऐसा क्यों होता है, वो उसका रीजन मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखो मैट्रिक्स ए है, उसमें आपको आपने के से मल्टीप्लाई किया, तो के जब मैट्रिक्स में जाएगा अंदर तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाने के बाद उसका आपने डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट लेने से क्या होगा, अब मुझे के बाहर निकालना है, तो हर एक कॉलम से या फिर हर एक रो से के बाहर आएगा, तो हर एक रो से के बाहर आएगा या फिर हर एक कॉलम से के आएगा बाहर, तो कितनी कॉलम है कितनी रो, एन, तो के रेस्ट एन बाहर आएगा और डिटरमिनेंट रह जाएगा, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी तो याद तो रख लो, क्योंकि आगे इसका काम होगा हमें। ओके देन, बस ये दो ही प्रॉपर्टीज है, तो यहां पे ये थियरी छोटी थी वो खत्म हो गई, आगे देख लेते हैं। चलो मेन थियरी बारे है जिसका यूज हमें बहुत बार करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डी जे ए, इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज डिनोटेड बाय ए डी जे ऑफ बी, क्लियर? अब ए डी जे आपको मिलेगा कैसे, उसका फॉर्मूला
ए डी जे ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के अंदर, सॉरी मैट्रिक्स के अंदर को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब कि ए डी जे का मतलब क्या होता है, को फैक्टर ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब कि हर एक एलिमेंट का को फैक्टर उनकी जगह पे लिख दो। अगर मान लो वन वन पोजिशन का को फैक्टर आप फाइंड कर रहे हो तो वन वन पोजिशन पे रखा जाएगा, मतलब को फैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है वो। ओके, और अभी बाकी इसमें एक और एक चीज लगानी है, वो है आपका ट्रांसपोज। को फैक्टर सारे लिखने के बाद रिस्पेक्टिव पोजीशन पे आप को फैक्टर लिखो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, यहां पे आपको फाइनल एडजॉइंट ए मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों पे क्वेश्चन देख लेंगे, एक 2x2 मैट्रिक्स के लिए देख लेंगे और एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करना है वो देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 2, 4, -1, 5 और बोला गया है फाइंड एडजॉइंट ए। चलो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। तो सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करो सारे के सारे, इसका 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 सबका। पहले साइन देख लेते हैं, साइन आपको पता होगी, प्लस प्लस माइनस माइनस, C11, C12 को फैक्टर लिख रहा हूं, C21, C22। चलो 2 पहले इसको ऐड कर दिया तो ये क्या होगा 5, और इसका साइन क्या है प्लस, तो इट इज 5। उसके बाद ये प्लस वाले लिख लो पहले, ये C22 5, रो कॉलम को ऐड कर दिया बचेगा 2, तो ये 2 प्लस पोजीशन है इसलिए। ओके देन C12 इसकी बारी 4, 4 का कॉलम रो ऐड कर दिया क्या बचा -1, बट उसका पोजीशन क्या है माइनस, तो इट इज +1। -1 का क्या होगा, कॉलम रो ऐड कर दिया 4 बचा, उसका पोजीशन साइन है माइनस, ये -4 होगा। क्लियर, ये लिख दिया हमने। ओके, अब एडजॉइंट ए लिखते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, यहां पे ट्रांसपोज, चलो कॉपी टू कॉपी लिख दो, 5, 1, -4, 2। क्लियर? चलो ट्रांसपोज ले लो तो क्या होगा, 5, 1, तो 5, 1, -4, 2, -4, 2। ओके, तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? सिंपल है, बट अब एक काम करो, एक बात देखो, एक और एडजॉइंट ए दोनों को ऑब्जर्व करो, ए को और एडजॉइंट ए को दोनों को ऑब्जर्व करो। चलो यस, एक और एडजॉइंट ए को दोनों को ऑब्जर्व करने से क्या हमें समझ में आया कि देखो 2, 5 है, या फिर 5, 2 हो गया, मतलब कि प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट का पोजीशन चेंज हुआ। दूसरी बात, -1, 4, यहाँ पे 4, -1 है, यहाँ पे -4, 1 हुआ, मतलब कि सेकेंडरी डायगोनल पे साइन चेंज हुआ, -1 का +1 हुआ और 4 का -4 हुआ। क्लियर है? इस तरीके से है लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक नोट याद रख लेंगे 2x2 के लिए, 4, 2x2 मैट्रिक्स, 4, 2x2 मैट्रिक्स क्या याद रख सकते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब क्या है इसका हिंट, प्राइमरी डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल पे क्या चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे।
चेंज द पोजिशन ऑन द प्राइमरी डायगोनल, और दूसरा सेकेंडरी जो डायगोनल है सेकेंडरी डायगोनल है उसमें क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। क्लियर? इस तरीके से। तो यहां पे 2/2 डिटरमिनेंट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? उसके बाद ले लेते 3/3। नेक्स्ट एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 0 2 5 1 2 9 7 3। ओके, फाइंड एडजॉइंट है, मैं फाइंड कर रहा हूं, ध्यान देना। बट उससे पहले मुझे कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे कोफैक्टर के नोटेशन लिख दूं। तो C11 C12 C13। C21 C22 and C23 C31 C32 and C33। ओके, सबसे पहले पोजीशन का साइन आपको पता है वो लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं याद रखने के लिए। पोजीशन क्या है सबका, प्लस डायगोनल प्लस बाकी सारे माइनस, ये तो आपको याद होगा। ओके, चलो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको प्लस वाले जो भी है कोफैक्टर वो लिख देने। प्लस पोजीशन पे जो कोफैक्टर, मतलब डायगोनल पे जो कोफैक्टर, वो पहले लिख दो, गलती ना हो इसलिए बता रहा हूं। ओके, अब चलो वन इसको ऐड करते हैं, यहाँ के ये C11 लिखने के लिए इसको ऐड करते हैं। चलो तो वैल्यू को क्या होगी, -3 + 14 इट इज 11। क्लियर? अब आई C22 की बारी, मतलब -1 का कोफैक्टर, तो कॉलम रो ऐड कर दिया, तो ये होगा 3 - 18 3 - 18, तो इट इज -15। क्लियर? C33 की बारी, C33 तो ये 3, कॉलम रो ऐड कर दिया, तो -1 -0। 2 की बारी, रो कॉलम ऐड कर दिया, -35 + 9 तो इट इज -26। क्लियर? ओके, C31 की बारी, कॉलम रो ऐड कर दिया, 0 + 2 तो इट इज 2। क्लियर? अब जो बाकी बचे हैं ना, उसमें क्या करना होगा आपको, जो भी आपका वैल्यू आ रहा है माइनोर का, उसको आपको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना होगा। क्लियर? ओके, चलो C12 में क्या नया है, तो C12 के अंदर ये 0 कॉलम प्रोवाइड कर दिया, ये बचा। ओके, तो 5 3 15 15 - 18 दैट इज -3 - 3, बट आगे माइनस है इसलिए +3। क्लियर? अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिखो, मैं तो बोल रहा हूं डायरेक्ट लिखो। चलो 5 का ये C21 कॉलम रो हाइड कर दिया। ओके, बचा क्या, 0 + 14 दैट इज -14। C23 कॉलम रो हाइड कर दिया, तो -7 + 0 - 0 दैट इज +7। 32 की बारी, -7 कॉलम एंड रो हाइड कर दिया, 2 - 10 तो इट इज -8, हम लिखेंगे +8। क्लियर है? तो ये हमारा एडजॉइंट तो नहीं हुआ, सारे कोफैक्टर हो गए। क्लियर है? ओके, पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन फर्स्ट।
चलो कोफैक्टर लिख दिया, अब इस बार हमें एडजॉइंट ए लिखना है। चलो एडजॉइंट ए इज नथिंग बट, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखना है तो मैं लिख रहा हूं अभी, सारे कोफैक्टर वन बाय वन लिख देते हैं, 11, 3, 7, -14, -15, 7, 2, 8, -1, क्लियर हो गया एडजेंट। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 11, 3, 7, -14, -15, 7, -14, -15, 7, 2, 8, -1, तो 2, 8, -7, -1, क्लियर। तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए, क्लियर है। ओके देन राइट इट डाउन फर्स्ट।